हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ डेमो शेयर करूंगी एक बहुत ही अच्छे फाउंडेशन का। तो मैं बात कर रही हूँ लैक्मे के मूज फाउंडेशन की, जो कि इस तरह की पैकेजिंग में आता है। ये इसके आउटर पैकेजिंग है और ये इसकी इनर पैकेजिंग है। इनर पैकेजिंग काफ़ी क्यूट पैकेजिंग है इसकी। एंड बात करें इसके प्राइस की, तो 825 रुपीज़ का आता है ये। थोड़ी सा कॉस्टली है, बहुत अच्छी कवरेज दे देता है, लॉन्ग लास्टिंग चलता है। एंड आप इससे अपना फुल नाइट मेकअप कर सकते हैं, फुल डे का मेकअप कर सकते हैं। एंड कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए तो बेस्ट होता है, बिकॉज पाउडरी फॉर्म में होता है। तो इसको यूज करने के बाद आपको किसी भी दूसरे मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप ऑफिस वर्किंग वूमेन हैं तो आपके लिए बेस्ट है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें, बिकॉज लॉन्ग लास्टिंग चलता है। और इसको लगाने के बाद आपको किसी दूसरे प्रोडक्ट्स की भी ज़रूरत नहीं है। और स्वेट प्रूफ भी होता है, बेस्ट चीज़ है कि स्वेट प्रूफ होता है और वाटर प्रूफ होता है। एंड इसको लगाने के बाद फेस में पसीना भी नहीं आता, ये काफ़ी हद तक पसीना भी सोखता है। तो मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट है, मैं इसे कई बार रिपर्चेज कर चुकी हूँ और अभी भी मेरा बस अभी थोड़ी सा ही बचा है, अभी मुझे फिर से इसको रिपर्चेज करना पड़ेगा। और थोड़ी सा कॉस्टली है बट अच्छी कवरेज देता है और प्रोडक्ट भी बहुत ही थोड़ी सा हमें यूज करना पड़ता है। एंड बात करें इसके सेल्फ लाइफ की, तो 2 ईयर्स की सेल्फ लाइफ के साथ आता है। एंड 25 ग्राम इसकी नेटवेट क्वांटिटी है। मेरा शेड है 01 आई फेयर, इसमें आपको 6 शेड मिल जाएंगे। आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से अपना शेड चूज कर सकते हैं। सो बहुत ही मखमली टेक्सचर में होता है ये। एंड ये इसकी इनर पैकेजिंग है, मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई करके दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, अगर आप इसे अफोर्ड कर सकें तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, बिकॉज इसको एक बार परचेस करने के बाद आपको किसी दूसरे फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दूसरे मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसको डॉट डॉट करके अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। और ये आप इसे विंटर, समर एंड रेनिंग सीजन, आप ऑल सीजन में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। जब भी इसे अप्लाई करें तो इसे नेक एरिया में ज़रूर अप्लाई करें, जिससे फेस और नेक एक सा दिखेगा। दिस इज प्रोडक्ट, मैंने ऑलमोस्ट इसको फिनिश कर दिया है, बस थोड़ी सा ही बचा है। और ये काफ़ी चल जाता है, मतलब ऐसा लगता है कि 25 ग्राम बहुत कम क्वांटिटी है, बट ये बहुत चलता है। ऐसा कोई वो नहीं है कि कम है तो ये बस मतलब कॉस्टली है, बहुत चलता है ये। आप इसे किसी ब्रश वगैरह से अप्लाई ना करें, आप इसे नॉर्मली फिंगर या फिर आप चाहें तो इसे ब्यूटी ब्लेंडर से भी अपने फेस में ब्लेंड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से फेस में बैठ जाता है, बहुत ही अच्छी तरह से। और इस फेस में अप्लाई करने के बाद स्किन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लगती है। पूरा मखमली टेक्सचर में होता है ये और पाउडरी फॉर्म में भी होता है। तो इसको अप्लाई करने के बाद आप चाहें तो कोई भी कॉम्पैक्ट या कोई भी पाउडर यूज ना करें तो भी चलेगा। मैंने तो कई बार मैंने इससे अपना मेकअप किया है, मैंने इससे अपना नाइट मेकअप भी किया है, डे मेकअप भी किया है। तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है ये। एंड आप देख सकते हैं कितना इवन कर दिया है इसने फेस को, बहुत ही अच्छी तरह से पूरे फेस में, बहुत ही अच्छी तरह से पूरे फेस में ब्लेंड हो गया है। बहुत ही अच्छी कवरेज देता है। एंड ये इसमें लिखा है कि ये 16 घंटे चल जाता है, हाँ बट 16 घंटे तो नहीं पर 14 घंटे इजली चल जाता है और ख़राब भी नहीं होता जल्दी। बेस्ट चीज़ है कि लॉन्ग लास्टिंग है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। और मैंने आई वाटर प्रूफ है, अगर आप बारिश में हैं कहीं या फिर आप भीग रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि ये फाउंडेशन ख़राब हो जाएगा। जब तक आप फेस वॉश से या किसी साबुन से अपने फेस को वॉश नहीं करेंगे तो ये नहीं निकलता है। मैंने कई बार ट्राई किया है कि मैं जैसे हम कहीं से आ रहे हैं, हमने नॉर्मली नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश कर लिया विदाउट किसी साबुन या फेस वॉश का यूज किए, तो ये फेस में रहता है, ये नहीं निकलता है। हाँ 16 घंटे के बाद फिर 13-14 घंटे आराम से चल जाता है, उसके बाद ये ख़राब होने लगता है। बट आप अपना नाइट मेकअप और डे मेकअप आराम से इससे कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लुक देता है। और इसको अप्लाई करने के बाद आप
कोई चाहे तो कोई भी अच्छा सा कॉम्पैक्ट यूज कर सकते हैं, और ये स्वेट प्रूफ भी होता है तो काफ़ी हद तक पसीने को रोकता है, और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपके लिए बेस्ट है, यही है आपके लिए प्रोडक्ट। आई बेस्ट फाउंडेशन है ऑयली, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, और ये ऑयल को फेस में आने ही नहीं देता। तो आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा ही अपने फेस पे अप्लाई किया था, और ये बहुत बहुत अच्छी तरह से मेरे फेस में ब्लेंड हो गया है बहुत ही अच्छी तरह से, और इसको लगाने के बाद स्किन बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस लगती है, और स्किन को एकदम फेस को ग्लोइंग बनाता है, और ये बहुत जल्दी ख़राब भी नहीं होता है, तो काफ़ी अच्छा है। अगर आप इसे अफोर्ड कर सकें तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें, और ये आपको ऑनलाइन थोड़ी बहुत डिस्काउंट में भी मिल जाता है, और मोस्टली ऑनलाइन थोड़ी बहुत इसमें डिस्काउंट चलता ही रहता है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक शेयर कर दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से जाके इसे परचेज़ कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू सो मच।